हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ पीजे। आज हम देखने वाले हाउ टू क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म वाई यूजिंग एन एएसपी डॉट नेट टेक्नोलॉजी। फॉर एन एएसपी डॉट नेट टेक्नोलॉजी हमें रिक्वायर्ड है इट इज विजुअल स्टूडियो। सो विजुअल स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है उसकी प्रोसेस क्या हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सो आपको ऊपर आई बटन या लिंक के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हमारा विजुअल स्टूडियो। सिंपल आपको सर्च करना है विजुअल स्टूडियो और इसको आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन भी रख सकते हो ओपन करने के लिए, या स्टार्ट मेनू के ऊपर या टास्क बार के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके रख सकते हो। तो ये यहाँ से रिमूव नहीं होगा, आप कितनी बार भी इसको क्लोज करो ओपन करो यहाँ पे एज इट इज टास्क बार के यहाँ पे रहेगा। तो फास्ट एक्सेस, तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे लॉगिन फॉर्म। बेसिकली किस तरह से लॉगिन फॉर्म होना चाहिए, लॉगिन फॉर्म के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है, फर्स्ट यूजर नेम, देन उसका टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड लेबल, उसका टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन। ओके, सबमिट लॉगिन बटन एंड कैंसिल बटन, की दो बटन लग सकते हो, सिंगल बटन रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है आप वहां पे डिफाइन कर सकते हो। तो सिंपल फॉर एन वेब एप्लीकेशन लॉग इन फॉर्म, फाइल्स में जाना है आपको। फाइल्स में जाने के बाद न्यू वेबसाइट, ओके वेबसाइट के अंदर यहाँ पे देखो जैसे कि सी शार्प एएसपी डॉट नेट हम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्टेंगे विजुअल सी शार्प, देन सिलेक्ट एम्प्टी वेबसाइट एंड देन ब्राउजर। ब्राउजर के लिए आप आपका जैसे लाइक यहाँ पे देते हैं डी ड्राइव या ई कर सकते हो। ई के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, विजुअल स्टूडियो प्रैक्टिकल और विजुअल स्टूडियो के जितने भी नंबर्स ऑफ हमें प्रोजेक्ट करने उसके रिगार्डिंगली। तो उसके अंदर वेबसाइट का नाम है लॉग इन फॉर्म, ओके लॉग इन फॉर्म वेबसाइट। लॉग इन फॉर्म क्रिएट करने के पर्पज से हम करेंगे सिलेक्ट ओपन, ओके देन ओके। तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट हमारा ओपन हो गया है। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल एक लॉग इन फॉर्म इन द सेम वेब फॉर्म एड करना है। तो उस पर्पज के लिए हम क्या कहेंगे, जो सोल्यूशन है आपको राइट साइड में, इफ यहाँ पे विजिबल नहीं होगा तो आप व्यू में जा सकते हैं एंड व्यू में जाके सोल्यूशन एक्सप्लोर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, या कंट्रोल अलर्ट एल, ओके नहीं तो अदरवाइज व्यू में जा सकते कंट्रोल अलर्ट एल प्रेस कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको ये सोल्यूशन एक्सप्लोर आ जाएगा। देन राइट क्लिक ऑन सोल्यूशन, ओके राइट क्लिक करो, देन एड, ओके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद एड न्यू एटम और कंट्रोल शिफ्ट एन भी कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंगली आपको विजिबल हो जाएगा। देन यहाँ पे क्लिक करना है वेब फॉर्म, वेब फॉर्म के अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट नाम है उसको चेंज करते हैं, हम करेंगे लॉग इन फॉर्म, ओके सो लॉग इन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके सो बाय डिफॉल्ट एस इज एन एचटीएमएल फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देगा फॉर इंडिविजुअल, तो इसको टाइप करते तो इसका थोड़ा सा विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इसका साइज बढ़ा देता हूं। इसको अच्छे से फॉर्मेट में होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको टेबल फॉर्म में करेंगे, टेबल फॉर्म टेबल, ओके सो टेबल इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लॉगिन फॉर्म होगा हमारा, देन यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स एंड सबमिट बटन। ओके सो फर्स्ट दैट इज अ टी आर टी डी, इसके अंदर कॉल स्पेंड टू, ओके देन यहाँ पे आप लेबल ऐड कर सकते हो। तो लेबल आपको कहाँ से ऐड करना है, टूल बॉक्स, ऐसे में टूल बॉक्स आपको यहाँ पे विजिबल होगा। इफ ये विजिबल नहीं होगा तो सिंपल व्यू में जा सकते हो, वहां से ऐड कर सकते हो, ओके व्यू एंड यहाँ से टूल बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हो इफ आपको विजिबल नहीं होगा तो।
तो यहाँ से टूल बॉक्स या कंट्रोल अलर्ट एक्स, ए बी शॉर्टकट इसके लिए याद रख सकते हो। देन लेबल आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो लेबल आपका यहाँ पे आ गया। देन ओके, सो लेबल हमें क्या देना है, लॉग इन फॉर्म। इफ ये आपको, इफ कोडिंग इतने अच्छे से आपको नहीं आ रही होगी तो और एक वैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट डिजाइन। ओके, सो जो सेकेंड ऑप्शन है इसके अंदर वायर डिजाइन से भी हम कर सकते हैं। ओके, तो ये डिजाइन है हमारा, डिजाइन के अंदर हम डायरेक्टली इसको चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम डिवीजन के टेबल के बाहर है, तो टेबल के बाहर हमें क्या क्या करना है, यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड में फर्स्ट करते लेबल। तो लेबल विद अ टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने चेंज की थी, तो यहाँ पे ऐड करते यूजर नेम। ओके, देन इसके बाद आपको चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो इसको स्क्रॉल करो थोड़ा सा तो मिल जाएगा टेक्स्ट बॉक्स, तो सेम। ओके, यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, तो सेम आप okay. यहाँ पे ऐड हो गया, तो सेम टेबल के अंदर इसको ऐड करते हैं टी आर टी डी। मैं दोनों वे से दिखा रहा हूं आपको, क्या आप उस तरह से भी कर सकते हैं, यहां से भी कोड को ऐड कर सकते हैं। सीधा आपको यहाँ पे आके कोड को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, एक हो गया, देन सेकेंड टी आर टी डी। ओके, दिस इज फॉर टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आप यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, सो ये आपका एक यूजर ने पासवर्ड का, इसका व्यू इस तरह से दिखेगा। okay, कोई अलाइनमेंट हमने यहां तक अभी तक असाइन नहीं किया, सिंपल ये किया। ओके, सो यहां पे हम कहेंगे पासवर्ड। ओके, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, देन लास्ट देट सबमिट बटन टी आर टी डी कॉल स्पैन टू इक्वल टू टू कैन बटन के लिए सेम बटन टूल बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, अल्फाबेट वाइज डबल क्लिक करो आ जाएगा, देन सबमिट। सबमिट हमने कर दिया, अभी देखो विदाउट एनी अलाइनमेंट इस तरह से दिखेगा। देन इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर देते हैं, तो ये अच्छे से दिखेगा। सो इसको नॉर्मली रन करके देखते हैं किस तरह से दिखता है, व्यू इन ब्राउजर के फर्स्ट टाइम रन करे तो इसको अनसेव करके हो रहे हैं, कि इसको सेव करते तो इस तरह से वो दिख रहा है। तो बट ये नॉर्मल जो दिख रहा है इतना अट्रैक्टिव है ये नहीं दिख रहा, सो उस पर्पस के लिए हम क्या कहेंगे इसको थोड़ा सा चेंज कर देते। सो क्या क्या चेंजेस करेंगे, उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, तो फर्स्ट नॉर्मल टेबल के अंदर करते हैं, टेबल थोड़ा अट्रैक्टिव करते हैं, देन उसके बाद इसके अंदर हम क्या करेंगे जो सी एस एस फाइल होगी फॉर कैसेडिंग स्टाइल शीट उसको ऐड करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या कहते हैं टेबल का विड्थ डिफाइन करते हैं इक्वल टू 60%, विड्थ असाइन कर दिया, देन उसकी अलाइनमेंट देते हैं अलाइनमेंट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेव करते हैं। तो वन बाय वन इसका व्यू भी देखते हैं, तो सेंटर हो गया। देन अभी हमें क्या करना है, जो कॉलम थे हमारे इस नंबर ऑफ रोज सभी को अलाइनमेंट देना है सेंटर, तो कॉपी करते हैं या टाइप भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली, जितने भी नंबर्स ऑफ टी आर से सबको अलाइनमेंट देना पड़ेगा।
तो वे सेंटर हो गया, बी सबमिट बटन। ये नीचे चाहिए तो अलाइनमेंट कर दिया हमने यहाँ पे, सेव रिफ्रेश। ओके तो ये नॉर्मल हो गया। सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़े से और चेंजेस हमें करने पड़ेंगे कि ये नॉर्मल हमारा टेक्स्ट या बोल सकते हैं कि लॉगिन फॉर्म हो गया है, बट इतना अट्रैक्टिव नहीं हुआ। तो इसको अट्रैक्टिव करने के लिए इसके जो कलर्स या प्रॉपर्टी हमें चेंज करनी पड़ेगी। सो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे CSS। तो राइट क्लिक करते हैं इसके अंदर, देन जो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, देन ऐड न्यू आइटम, क्लिक CSS स्टाइल शीट। ओके SS टाइप करके सर्च कर सकते हो। ओके सो स्टाइल शीट वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसके अंदर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके स्टाइल शीट के नॉर्मल बाय डिफॉल्ट नेम रख सकते हो, या आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखा है। तो ये जो शीट हमने क्रिएट किया है उसको यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बिल्ड करेंगे हमारे बॉडी के साथ। तो लॉग इन फॉर्म बॉडी टैग के अंदर आपको क्या करना है, इसको लिंक करना है। सो उसके लिए आपको यूज करने पड़ेगा लिंक। ओके लिंक के बाद क्या लिंक करेंगे, वाया हाइपर लिंक। ओके देन स्टाइल डॉट css, देन रेफर, देन इज इक्वल टू स्टाइल शीट एंड क्लोज। हर एक जो आर्ग्यूमेंट पास करते हो तो वाया डबल कोटेशन आपको देना है, जिसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। देन इसको सेव करते, देन वन बाय वन एक बॉडी, देन टेक्स्ट, लेबल सबके लिए हम यहाँ पे असाइन करते हैं जो प्रॉपर्टी है। फॉर एन बैकग्राउंड इमेज, एंड बैकग्राउंड इमेज के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट इज, एंड ये दो कमांड से हमें यूज करने पड़ेंगे, बैकग्राउंड इमेज URL डॉट जो भी इमेज का नाम होगा एंड उसकी साइज, उसके अकॉर्डिंगली फर्स हम क्या करते हैं, इमेज यहाँ पे एक सर्च करते हैं अकॉर्डिंगली करते विदाउट साइनिंग विद एन अकाउंट एंड कोई भी नेम क्लिक कीजिए। सो यहाँ पे हम एक लॉग इन इमेज चाहिए, लॉग इन बैकग्राउंड, आप कोई भी इमेज ले सकते हो, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। लॉग इन बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे देख सकते हो एक इमेज हमने यहाँ पे दी रैंडमली, ऐसी प्लेन इमेज कोई वाली इमेज ले सकते हो। राइट क्लिक सेव एज, सेव एज के बाद यहाँ पे एक डाउनलोड करके या लॉग इन इमेज जो हमारा फोल्डर था ई ड्राइव के अंदर विजुअल स्टूडियो लॉग इन फॉर्म सेव, तो उसके अकॉर्डिंगली इमेज सेव हो गई। देन इसको थोड़ा सा रिफ्रेश, तो लॉग इन GIFF। तो ए एक्सटेंशन चाहे थे वर्क नहीं करता, तो सेव एज फिर से .jpg एंड ऑल टाइप्स, उसके अकॉर्डिंगली jpg करके इमेज यहाँ पे सेव हो जाएगी। रिफ्रेश, तो jpg तो यहाँ पे चेंज करेंगे डाउनलोड वन, सेव करते हैं। तो जो हमने पेज रन किया था उसके ऊपर देखते हैं, ओके तो ये डाउनलोड के बाद, ओके तो ये इमेज आ गई। आपके अकॉर्डिंगली कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो, कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि एक ही इमेज होनी चाहिए, तो पर jpg इमेज होगी तो मोस्ट प्रेफरेबल ऐड हो जाती है। ओके सो इमेज हो गई ऐड, बैकग्राउंड ऐड हो गया। देन नेक्स्ट, ये दिन तो डिवीजन हमने यूज किया है,
फॉर एन टेबल जो लॉगिन टेबल था उसके लिए यहाँ पे डिजाइन करते हैं। तो उसको क्लास आएंगे, क्लास इक्वल टू लॉगिन बॉक्स। तो इस लॉगिन बॉक्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिजाइन करना पड़े नहीं वाला है। क्लास लॉगिन फॉर्म, देन इसको इफ आपको अलाइनमेंट देनी है तो अलाइनमेंट दे सकते हो, स्टाइल इक्वल टू कोलन अलाइनमेंट कोलन सेंटर कोलन सेमी कोलन। इसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको अलाइनमेंट दे सकते हो, या इसलिए अलाइनमेंट नहीं है सिर्फ शायद से टेक्स्ट अलाइनमेंट है, ये परफेक्ट है। ओके, सो सेव करके देखते हैं, फिर जो काम हो गया उसको क्लोज करते हैं यहाँ पे। तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हो गया। तो साइज चाहे से थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा कम कर देते हैं, 40। बॉक्स का साइज भी हो गया कवर। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो लॉगिन बॉक्स का लिए कोडिंग करते हैं। लॉगिन बॉक्स के लिए एरे कोड, राइट? तो पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 50%, लेफ्ट 50%। तो उसके अकॉर्डिंगली जो अलाइनमेंट है हमने अलाइनमेंट दी। देन ट्रांसपेरेंसी, जस्ट लाइक जो बॉक्स आपको रिक्वायर्ड होता है ट्रांसपेरेंट, उस बॉक्स की बॉर्डर कितनी होनी चाहिए। देन पैडिंग स्पेस, उसकी हाइट विड्थ कितनी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, एंड लास्ट रेडियस के, रेडियस इन जो कॉर्नर्स होते हैं बॉक्स के उसके अकॉर्डिंगली वो कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, जो टेक्स्ट हमने असाइन किया है तो उस टेक्स्ट एंड बॉक्सेस बटन्स के इसके लिए अभी कोड करना है। तो थोड़ा सा स्लो है सिस्टम। ठीक, तो जो यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन, तो ये बॉक्स अभी अपीयर हो गया। तो इस बॉक्स के अकॉर्डिंगली हमें कोड ही करना है, जो लॉगिन फॉर्म हमारा है वो अच्छे से दिखना चाहिए। तो लॉगिन फॉर्म नेक्स्ट इसके लिए देखते हैं। देन नेक्स्ट जो हमारे कोड रिक्वायर्ड है फॉर ए लेबल, ओके, सो ए लेबल हमने यहाँ पे दे दिया, जैसे बोल्ड टेक्स्ट एंड जो बटन सबमिट होगा उसके लिए उसकी विड्थ, देन लेबल उसके अकॉर्डिंगली एक कोड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सिंपल जो सीएसएस का आप यूज करते हो उसके मार्जिन डिसाइड करनी होगी, बॉर्डर डिसाइड करनी होगी। तो सेम आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे सेव करना है एंड यहाँ पे असाइन करना है ये सारी चीजें। इसलिए लॉग इन फॉर्म हमने यहाँ पे बोला था, जो टेक्स्ट बोला था उसको चेंज कर देते हैं। ये सॉरी लेबल्स हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसके जगह पे हम यूज करेंगे जो नॉर्मल टैब, क्योंकि उसकी साइज बड़ी होनी चाहिए ना। तो उसके लॉग इन फॉर्म के देने लेबल है, तो उस लेबल के अंदर यूज करेंगे सी एस एस क्लास इक्वल टू लेबल। जितने लेबल है वहां पे लेबल यूज करो और जितने टैक्स है वहां पे टैक्स यूज करना है। ओके, तो सेम टैक्स के लिए सी एस एस क्लास इक्वल टू टेक्स्ट, तो ग्लिट, देन अगेन पासवर्ड के लिए सी एस एस क्लास इक्वल टू लेबल, लेबल है इसके लिए, ये लिंक है इसके लिए। आपको यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं, इफ आप देख सकते हैं आपका जो स्टाइल शीट है यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ तो आपको ऐसे सजेशन नहीं आएंगे। ओके, तो इक्वल टू टेक्स्ट लास्ट सबमिट बटन के लिए सी एस एस स्टाइल इज इक्वल टू सबमिट बटन, डबल कोटेशन कंपलसरी। सेव, इसके अकॉर्डिंगली सेव करना है हमें। अगेन वेब पेज,
रिफ्रेश कर देते हैं कि पासवर्ड के लिए जैसे नहीं किया कि कोड पासवर्ड, हाँ बाकी रह गया। सी एस एस क्लास इक्वल टू टेक्स्ट और कंप्लीट एंड के, तो ये हमारा हो गया कंप्लीटेड। तो एक तो बड़ा सा स्पेस इसके अंदर रिक्वायर्ड है, वन बाय वन होना चाहिए। तो इसके लिए और एक चीज आप कर सकते हो, दैट इज एन मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ कि आपको टेबल्स निकाल सकते हो, यानी कि विदाउट टेबल भी आप दिखाओगे तो भी एज इट इज गुड दिखने वाला है आपको। अब दोनों भी फॉर्म यूज कर सकते हो, विदाउट टेबल विद टेबल, एंड उसके अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर सकते हो। बिकॉज ऑफ हमने लॉग इन बॉक्स के अंदर जो भी आपको रिक्वायर्ड है उस साइज डिफाइन की है डिवीजन की, तो ओके ये परफेक्ट दिख रहा है। तो कि थोड़े से स्पेस यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, तो बी आर टैब, बी आर ही सेल्फ क्लोज होता है, देन यहाँ पे इसको रिफ्रेश। ओके तो यहाँ पे हमारा लॉग इन फॉर्म क्रिएट हो गया। इफ आपको कोई भी डाउट क्वेरी होगा, ये सिंपल लॉग इन फॉर्म ने क्रिएट किया है। सेम इसी तरह आप क्या करेंगे, सिर्फ कंटेंट चेंज करेंगे, साइज चेंज करेंगे एंड जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो क्रिएट करेंगे। इसके अंदर कोई भी डाउट क्वेरी होगी या सजेशन होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वहाँ पे आपको सॉल्व करके देंगे। ओके ये सिंपल था। ऑल एडवांस के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। And thank you for watching this video and give comments for new videos ideas. Thank you.